हेलो बच्चों, आज मैं आपके कैलकुलेशन को कुछ इजी करने वाला हूँ। तो आइए सीखते हैं, देखिए कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन को इजी करने से पहले मैं आपको एक बेसिक बात बता रहा हूँ। जैसे आपका रहा 40 - 3/10, तो इसको अगर आप बेसिक मेथड से बनाएंगे तो मुझे बहुत समय लगेगा। कैसे करेंगे, पहले इसका एलसीएम हो जाएगा 10। 40 को 10 से इंटू करेंगे होगा 400, फिर उसमें 3 माइनस करेंगे, 400 में 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा 397/10। 10 से फिर इसको डिवाइड करेंगे 397, 10 3 जा आपका 30 हुआ, ये 9, फिर 7, 10 9 जा आपका हो गया 97। अगर इसे होल नंबर में लिखा जाता तो 39/7/10 ये आंसर होता आपका। पॉइंट में भी लिख सकते थे 19.7 होता। मान लीजिए यहाँ 10 नहीं होता तो पॉइंट में निकालने में भी रहता। अधिकांश ऑप्शन में होल नंबर में आंसर दिया जाता। अब इसे देखिए चुटकियों में कैसे बनाते हैं। इसे क्वेश्चन था आपका 40 - 3/10, तो क्या करेंगे इसमें हम जितना यहाँ दिया रहेगा, जैसे 40 दिया है उससे एक कम कर देना कितना हो गया 39, और नीचे में जो है उसको आपको लिख देना है, यानी कि 10 था 10 लिख लिए। इस 10 में से 3 को माइनस करें क्या बचा 7, देखिए बिना कुछ किए हो गया 39 7/10 आया कि नहीं। एक और समझाते हैं, ये मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 11/90 है, ये करना है। इतना बड़ा है, इसको गुणा करेंगे, घटाएंगे, भाग देंगे तो होल नंबर में बहुत समय लग जाएगा। तो सीधा सीधे मुझे ये जो दिया है 4 3 24 है उसे एक कम कर देना है, मतलब 23 कर देना है। नीचे का जो है वही लिख देना है। 90 में आपको 11 माइनस कर देना है, 10 में एक गया आपका हो गया 9, 8 में से एक गया कितना हो गया 7, जिसे जी होगा आंसर है ना अजूबा। और सीखना है एक और देखिए, 4 कुछ भी लिख रहे हैं सर, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ भी लिख रहा हूँ। मान लीजिए आपका 16/99 है, 16/99 तो कुछ नहीं करना है, 4 6 42 है उससे कम 41, ये 99 उठा देना है, इसमें माइनस कर दीजिए 99 में 16 जाएगा हो गया 3, 9 में से 1 चला गया कितना हो गया 8, दिस इज योर आंसर हो गया। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 आंसर हो गया। और आप सोच रहे हैं प्लस होने से क्या करेंगे, वो भी देख लीजिए 41 + 21/71, तो प्लस वाला कुछ नहीं करना पड़ता, खाली प्लस हटा दीजिए 41 - 21/71 दिस इज योर आंसर। ये कुछ मैंने होमवर्क दे रखी है, इसे करना है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।